स्वागत है जी आपका नेक्स्ट वीडियो में। और आज का दिन सुहाना है, आज हमारा सैटरडे है, वीकेंड है। और मैं और सुरभि भाई यहाँ पर आए हुए हैं पर बोटानिक गार्डन्स करके है, यहाँ पे चेरी ब्लॉसम हो रखा है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। और आज का मौसम एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री भी है, यहाँ पे वोटिंग भी हो रही है, लास्ट डे है वोटिंग का। काफ़ी भीड़ यहाँ पर वोटिंग की वजह से दिख रही है, आई डोंट नो पार्किंग शायद इसलिए नहीं मिल रही थी, बट अंदर जाके देखेंगे कैसा है। अब आपको दिखाते हैं भाई, यहाँ पे एक एक गजब के फूल खिलते हैं। और चेरी ब्लॉसम यहाँ का फीचर है, 4 हफ्ते तक रहता है ये और उसके बाद वापस ग्रीन हो जाएगा। तो ढूंढते हैं कैसा है। मैडम रेडी है हमारी चलने के लिए? चलो आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं चेरी ब्लॉसम्स। भाई जी मौसम एकदम सीटी मार रहा है, आज गजब लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन आज ये पूरी पार्किंग फुल हो रखी है, जहाँ तक मैंने सुना था लास्ट टाइम ये खाली रहती है। अपना भी पहली बार ही है यहाँ पर, जब भी यहाँ से साउथ की तरफ जाते हैं ना हम लोग, रोटोरुआ टॉपो, तो ये बोटानिक गार्डन काफ़ी ज़्यादा दिखता है। ये ऑकलैंड काउंसिल मेंटेन करती है इसको और अंदर से काफ़ी बेहतरीन है। बोट की शेप में बनाया हुआ है ये, वोटिंग चल रही है भाई साहब यहाँ पे, यहाँ से जाने पे वोटिंग है रास्ता है वो। प्यारे प्यारे फूल शुरू से ही दिखने लग गए हैं, पॉपी फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं यार ये तो। अभी तो हम अंदर भी नहीं गए हैं, ये तो अभी बाहर बाहर से इतना मज़ा आने लग गया देखने में। फुल फोटो सेशन चल रहा है भाई डॉगी के साथ में यहाँ पे। सो ये है ऑकलैंड का बोटानिक गार्डन्स, इस तरह से दिखता है ये। यहाँ से अंदर जाएंगे, अब देखते हैं कैसा है। कॉफ़ी की महक अंदर आते ही, ये कैफ़े है, यहाँ से आ रही है सारी कॉफ़ी की खुशबू। ये कैफ़े है, इको कैफ़े। ये हैं पहले नज़ारे बोटानिक गार्डन के, वाइब्रेंट एकदम उजाला हो रखा है। किस्मत अच्छी चल रही है वैसे, काले बादल हैं ऊपर आप देखोगे। हम लोग यहाँ पे हैं, ये व्यू है, ये भाई ये तो बहुत बड़ा है यार, ये तो पूरी ट्रेल है, चलते रहना। ये तो पाम्स, प्लांट रॉयल्स, काफी कुछ है। देखते हैं इधर जाना, इधर जाना, किधर जाना है? सिक्का उछालो। नहीं नहीं कहीं भी चलो, कहीं भी चल रहे, हवा ले जाएगी हमें। ये रेड का मतलब क्या है? एग्जिट ओनली। ओके ठीक है जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं घूमना। एंट्री पे इतना सुंदर पेड़ दिख गया भाई ये, और यहाँ तो प्रॉपर फोटोशूट चल रहा है, गजब वाला। सही कह रहे थे तुम, पॉपी फ्लावर ही है ये, इसकी स्पीशी होगी ये भाई। हाँ लेकिन पॉपी फ्लावर्स ही हैं, बड़े प्यारे प्यारे खिले हुए और खुलेंगे अभी। और इसकी पत्तियाँ ना ग्रीन होने लग गई हैं, वैसे तो ये पिंकिश दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में क्या कलर दिख रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा पिंकिश कलर दिख रहा है इसमें। पिंकी है। हाँ पिंकी है वैसे, पर ये ग्रीन होने लग गई हैं पत्तियाँ इसकी, सुंदर लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। ये पता है कौन सी जगह है सुरभि? यहाँ पे तो प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट बहुत सही होगा यार। ये वाला अड्डा है पूरा इस सीज़न में, सारे फोटो शूट्स चल रहे हैं सबके। क्या कलाकारी कर रखी है यार, फोटो वोटो बना खींचने के तो ऐसे स्पॉट बनाए हुए हैं, ये सारे फोटो स्पॉट्स हैं, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे घूमते हुए पता डर नहीं लगता, मतलब वैसे स्नेक्स नहीं है भाई, झाड़ियाँ वाड़ियाँ सही है यहाँ पे। रेप्टाइल्स भी ऐसे कुछ पॉइजनस वो नहीं है ना कि कोई मार दे। इस सेक्शन वाइज प्लांटेशन कर रखी है बोटानिक गार्डन में, जो बोल रहे हैं वही पेड़ दिखेगा। पाम्स हैं सारे चारों तरफ, आप देखोगे ना ये पाम्स की स्पीशीज हैं सारी। ये तो अपने केरला की याद आ गई, ये देखो जी, तो इन्होंने कलेक्टिवली एक जगह पर रख दी है, जिसको पाम्स देखने वो पाम्स देख लें। ऐसे अड्डे बहुत ज़रूरी हैं ऐसे देश में भाई, बारिश आ जाती है, छुपने के लिए चाहिए होता है कुछ। एक और खुफिया रास्ता, ये अच्छा ट्रेल बनाया हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ से जाएंगे यार, ये तो अच्छा लग रहा है,
अब यहाँ पे ना अगर बूढ़े बुजुर्ग होते ना उनके लिए यहाँ पर स्कूटर्स भी अवेलेबल हैं इस तरीके के, इसको आप किराए पे ले सकते हो आई थिंक, और इस पे घूम सकते हो जो थोड़े डिसेबल्ड है, चल नहीं सकते। इस गार्डन का ना सबसे एक्साइटिंग रास्ता ये है, प्रॉपर फ्लावर्स है ये रास्ता बना हुआ है। सुरभि आगे आगे चल रही है भाई, बीच में ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स पड़ रहे हैं, ये तो मस्त है यार, ये वाला रास्ता बहुत अच्छा था। ओहो पीछे ऑरेंज फ्लावर्स गए हैं सुरभि, आगे येलो, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, तो स्वाद आ गया। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे, ढूंढते हैं एक रास्ता, यहाँ से भी जा रहा है सुरभि वैसे, ये भी है ये भी है, यहाँ से चलते देखते हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। स्प्रिंग वाले एरिया में जाना है ना, पिंक कलर का जो है, चल के देखते हैं। ये आ गए हम रोजेज वाले सेक्शन में, रोजेज, रोज एक ऐसा फूल है जो सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है सुरभि, रोजेज रोजेज है भाई, यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है, अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा दिखा के, लेकिन खतरनाक वैरायटी है रोजेज की भी भाई, इतना प्यारा डॉगी है ये भाई जी, यहाँ तो सांप जैसी मछली है, इसका नाम पता नहीं क्या होता है, लेकिन दिख रही नहीं, दिख रही पता नहीं कैमरे में, बहुत सारी हैं, ये रही है ऊपर ही आ गई है, मुझे पता क्या लग रहा है, लोग यहाँ पे खाना फेंकते होंगे, ये ऊपर ऊपर आ रही हैं काफ़ी, उनको लग रहा है जैसे कोई आ रहा है, काफ़ी मछलियाँ हैं। मेन अट्रैक्शन आज की वो है जहाँ आगे आपको दिख रहा होगा, वो चेरी ब्लॉसम गार्डन है, वहाँ जाना है हमने एंड में, तो वहाँ पे जाके सुरभि की फोटो भी खींचेंगे मस्त मस्त। हाँ लेकिन अब वो ग्रीन लीव्स आने लग गई है उनमें, जाने हाँ, वाला है उनका सीजन, बट शेड आ रहा है पिंक वाला, हाँ, हाँ, ये जो दिख रहा है ना एक क्लाउड से बना हुआ पिंक पिंक, यही है सारे। चलो भाई देखते हैं कैसा है, भाई जी ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल बना हुआ है फूलों का ना, यहाँ पे भी हैं सारे और यहाँ पे भी हैं। अब हम आ गए हैं पिंक इलाके में, अब हम यहाँ को एक्सप्लोर करेंगे पिंक इलाका, बिकॉज ये विंटर एंड स्प्रिंग कलर्स का है, यहाँ पे मिलेंगे सारे चेरी ब्लॉसम। अभी जो पीछे देख रहे हो ना, अब ये है सारा चेरी ब्लॉसम मेरे पीछे, और इतना अमेजिंग है ना ये, आई थिंक ये जापान में बहुत फेमस होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये उतने इक्वली सुंदर दिख रहे हैं। शॉर्ट्स में आपने देख लिया होगा, ड्रोन में उड़ा नहीं सकता, बहुत तेज़ हवा है, ड्रोन जो है रोने लग जाएगा, तो आज के लिए उसको ब्रेक दे रखी है। बट अगर आप ऑकलैंड आ रहे हो तो आप ये बोटानिक गार्डन ज़रूर आना, ये चार हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये पूरा पिंक क्लाउड बना रहता है, और अब देखते हैं हम लोग आगे कहाँ जाते हैं। बट आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यार। सुरभि तुम्हें कैसा लगा ये? बहुत ही सुंदर है, ज़्यादा अच्छा, मतलब हमने तो पहली बार देखा है चेरी ब्लॉसम। यहाँ तो चटाई वटाई ला के लोग बैठ जाए आराम से, अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बट ये वैसे है चार हफ्ते का ही खेल, चार हफ्ते के बाद ये ग्रीन हो जाएंगे सब, तो इतना तामझाम होगा नहीं। भाई जी ये है चिल्ड्रंस पॉटर गार्डन, पर यहाँ पे मैंने इतना बड़ा कैक्टस का प्लांट नहीं देखा अपनी लाइफ में, भाई कितना बड़ा है ये, कैमरे में जस्टिफाई भी नहीं हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा है, सुरभि की हाइट देखो ज़रा, और ये कितना बड़ा है भाई। तो जी ये था हमारा आज का दिन, आज का दिन हमने स्पेंड किया है ऑकलैंड के बोटानिक गार्डन में, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी अगर ऑकलैंड आते तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, मेस्मराइज हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे फ्लावर्स देख के, बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। अब इस वीडियो का करते हैं यही अंत, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।